Hello, dear children. Welcome to my channel MSP Educator. Hello, children. We are learning General Science Standard 7, lesson number 2 Plant Structure and Function. Okay. So, we have studied uh, in the previous videos of this lesson about the parts which are root, stem, and leaf. Okay.

दैट इज कॉल्ड एस पेडिसल ओके सो इन सम फ्लावर्स इट इज लॉन्ग एंड इन सम फ्लावर्स इट इज शॉर्ट ओके एंड इट्स वन एंड लास्ट एंड इज अटैच टू द स्टेम ओके एंड द अदर एंड विच इज एक्सपांडेड एंड सोलन मतलब वो ऐसे थोड़ा सा फैला सा होता है फैला हुआ होता है और थोड़ा सा ऐसा आ, आ, फुगा भी होता है फुगा सा स्ट्रक्चर उसका रहता है ओके सो इट इज कॉल्ड एज रिसेप्टेकल इसी को हम रिसेप्टेकल बोलते हैं सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिसेप्टेकल? पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टेकल। अभी ये देखो ये जो पेटल्स होती हैं, मतलब पंखुड़ियाँ जो होती हैं फूल की वो और दूसरे जो जो भी पार्ट्स है जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को वो सब सबको सपोर्ट देने का काम करते हैं रिसेप्टेकल्स ओके नाउ सी कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर अभी जो मैंने पढ़े हैं वो सब फ्ला फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं नाउ वी विल सी वन बाय वन टू देम ओके सो फर्स्ट वन इज कैलिक्स अभी ये कैलिक्स क्या होता है तो इन द बड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय अ लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर दे फॉर्म द कैलिक्स सो लुक हियर चिल्ड्रन दीज आर लीफ लाइक पार्ट्स आर देयर स्मॉल लीफ लाइक पार्ट्स यू कैन सी हियर सो जब फूल जो होता है वो कली की कंडीशन में होता है कली के फॉर्म में होता है तो ये सारी जो पेटल्स होती है उसकी वो कवर्ड होती है लीफ लाइक पार्ट से उसको ही हम सेपल्स बोलते हैं और वो कौन से कलर के होती है ग्रीन कलर के होते हैं ओके okay, वो ग्रीन कलर लीफ लाइक पार्ट्स ओनली फॉर्मिंग द कैलिक्स ऑफ द फ्लावर ओके चिल्ड्रेन नाउ सी कोरोला दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स ऑफ पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स मतलब जो भी कलरफुल पंखुड़िया हम देखते हैं फूल की वही होता है कोरोला ऑब्जर्व द शेप कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक रोज क्राइसिंथेम हिबिस्कस मोगरा कन्हेर तगर एट्सेट्रा ऑल दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स ओके सो इनको जो फूल आते हैं उनका आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है उनके शेप कैसे होते हैं उनका कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हो देन स्मेल भी आप ध्यान में रख सकते हो उनके कोरोला का मतलब उनके जो पेटल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल होता है हर एक डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट का ओके उसी से हम पहचानते हैं कि ये मोगरे का फूल है या फिर ये रोज़ का आ, फूल है ओके क्राइसिंथेम मीन शेवंती का फूल ओके सी द नेक्स्ट पार्ट इज एंड्रोशियम this is the male reproductive part of the flower consists of stamens each stamen is made up of anther and filaments so see here children in this figure this yellow color part you, uh, you can see it is only the androceum okay so in androceum यू कैन सी द एंथर्स ये येलो कलर का जो लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दर एंथर्स और ये एंथर्स को नीचे एक रेड कलर का फिलेमेंट जैसा पार्ट होता है सो एंथर एंड फिलेमेंट टूगेदरली फॉर्म द एंड्रोशियम एंड एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर अंडरस्टूड एवरी वन नाव सी दियम दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स अभी एक कार्पेल क्या होता है वो सुनो अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी सी सीयर अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ दिस इज द रेड वेलवेटी पार्ट इज कॉल्ड ए स्टिग्मा ओके एंड दिस इज लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ए स्टाइल एंड एट द एंड दिस इज दिस वाइटिश येलो कलर पार्ट इज शोन टू यू इट इज द ओवरी सो स्टिग्मा stigma style means this long tube and this ovary these three things togetherly form a carpel okay and the female reproductive system is made up of this carpel only understood children this middle part okay center part is the female reproductive system of the flower that is we are calling as gynoecium understood everyone

सेम स्ट्रक्चर उसके एग्जैक्टली सेम टू पार्ट्स होने चाहिए अंडरस्टूड आफ्टर मैचोरिटी एंथर्स बर्स्ट एंड द पोलन रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा जब फूल uh, पूरा मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है ये जो एंथर्स होते हैं येलो कलर लोब ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है येलो कलर का वो बर्स्ट हो जाते हैं मतलब फूटते हैं फूट जाते हैं वो और उसमें से क्या निकलता है पोलन ग्रेन्स आर रिलीज एंड दे दैट पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन दिस स्टिग्मा रेड वेलवेटी पार्ट ऑफ द गाइनोशियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन ओनली अंडरस्टूड एवरीवन एवरी वन ड्यू टू पॉलिनेशन वॉट विल द ओव्यूल्स मीन्स एक्सेल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज अंडरस्टूड एवरी वन वो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा पे गिरते हैं वो यहाँ से इस ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से अंदर जाते हैं और इन द ओवरी देयर इज ओव्यूल्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड दिज ओवरी गेट फर्टिलाइज ओके एंड फर्टिलाइज ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स एंड दीज फर्टिलाइज ओव्यूल्स विच आर प्रेजेंट ओवर ईयर आर देन द सीड्स अंडरस्टूड एंड ओवरी डेवलप्स फ्रूट और उसके बाद वो सीड से फ्रूट में डेवलप हो जाती है ओवरी अंडरस्टूड एवरी वन एंड इन लाइक दैट ओनली वी विल गेट द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स नाउ सी यूज योर ब्रेन पावर ऑफ वॉट यूज टू प्लांट आर द इंसेक्ट फ्लिटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर्स यर इंसेक्ट्स फ्लिटिंग मीन्स वॉट इंसेक्ट जो होते हैं वो हमेशा फूल के आजू बाजू में मंडराते हुए हमें दिखाई देते हैं राइट वो फूल पे बैठे फिर से उड़ते हैं फूल पे बैठते उड़ते हैं येस सो वाई वाई दिस इज सो वॉट इज द यूज ऑफ दिस सो कैन यू थिंक अबाउट दिस So, insects help in pollination of the flowers. Okay, I told you before also what is the process of pollination. The anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma, right? So, insects also helping in this pollination process and they transfer the pollen grains from one flower to another. Means, uh, um, in another way, they are uh, helping the plants for the reproduction understood children now observe the various flowers and complete the following chart here you are going to form a chart okay so uh, you collect some flowers and name the uh, name that fl flowers over here in the first column name of the flower then uh, you are going to observe each flower carefully एंड नोट योर रीडिंग्स ओवर हीयर ओके सो नंबर ऑफ सेपल्स इज़ योर सेकेंड कॉलम कितने उस फूल में कितने सेपल्स है सेप्पल्स में uh, सेपल्स टू है थ्री है या फोर है इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर लिखना है देन सेप्पल्स फ्री और यूनाइटेड वो जो सेपल्स हैं वो अलग अलग है या फिर कंबाइंड uh, है दैट यू आर गोइंग टू नोट नोट डाउन ओवर हीयर इन दर्ड कॉलम देन नंबर ऑफ पेटल्स पेटल्स कितने हैं उस फूल में फ्री और यूनाइटेड फिर से पेटल्स आपके फ्री है या कंबाइंड है दैट यू आर गोइंग टू राइट हिस्टर एंड फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड्रोशियम और गाइनोशियम किस तरह के हैं दैट ऑल्सो यू आर गोइंग टू नोट ओवर हि ओके चिल्ड्रेन नाउ सी द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फ्रूट वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स Each type of fruit has its own characteristics. Now I told you uh, that uh, how the fruits are developed. So we are eating different types of fruits. और uh, हर एक जो fruit होता है उसका एक different uh, characteristic होता है मतलब उसकी एक uh, विशेषता होती है right? There are variations in their shape, color, taste. अभी देखो यहाँ पर आपको picture number two point eleven दिखाएँ various fruits and seeds का, okay? सो so, पर आप लोग देख सकते हो हर एक फ्रूट जो है वो अलग दिखता है यस इट्स इट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ईच फ्रूट इज हैविंग ओके सो मैंगो कंटेंट ओनली वन सीड वेर जैक फ्रूट कंटेंट्स ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विथ इट्स ओन सीड मुझे लगता है सारे बच्चों ने सारे ही फल खाए होंगे ओके okay? तो so मैंगो में कितनी सीड्स होती है ओनली वन सीड होती है और ये जो जैक uh, फ्रूट है मीन्स फनस उसमें तो छोटे छोटे फ्रूटलेट्स हमें मिलते हैं उसके uh, गर बोलते हैं हम उनको तो अलग अलग हमको मिलता है उसमें हर एक पार्ट uh, में एक अलग सीड होती है राइट ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेयर मीन्स जिजीपस डिजिपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेयर देन मैंगो चिकू एप्पल एट्सेट्रा वॉट डू यू ऑब्जर्व इच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्कीन और शेल हर एक फ्रूट का एक डिफरेंट स्कीन होता है उसका बाहरी जो आवरण है वो डिफरेंट होता है देन फ्लैशी पार्ट एंड सीड ओके इन ईच ऑफ द फ्रूट लाइक कैश्यू एंड इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट ओके सी दिस कैशू नट सो हियर इट्स सीड इज दिस इज द सीड इट इज आउटसाइड द फ्रूट राइट नाउ लुक हेयर व्हीट राइस जवार ग्राउंड प्रेस दीड्स विथ योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व देम अभी उनको क्या करना है आपको एक एक सीड लेके उसको फिंगर के दो फिंगर्स के बीच में उसको दबाना है वट विल है यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया इसमें से कौन से सीड के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इससे हमें क्या पता चलता है सीड्स विच गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडंस जो सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है मींस उसके उसके सीड में दो पार्ट्स होते हैं इसलिए उसको हम डाइकोटिलीडन डाइकोटिलीडन सीड्स ऐसे बोलेंगे ओके

I hope you all understood today's topic very well. If you are having any doubts, you can ask me in the comment section below the video and I will give its solution. Okay? Thank you for watching.